सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे जो बिग बिलियन डेज है वो आज से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर इसके दौरान आज सुबह से मुझे सिर्फ एक ही कमेंट यहाँ पर आ रहा है कि भाई यहाँ पर इन्फिनिक्स का हॉट 8 जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था कंपनी की तरफ से यहाँ पर फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में यहाँ पर सेल के लिए। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर हमें सेल में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये स्मार्टफोन यहाँ पर कमिंग सून लेकर के आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ फ्लिपकार्ट की, मतलब यहाँ पर फ्लिपकार्ट के ऊपर सर्च करता हूँ इन्फिनिक्स के हॉट 8 को, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स के हॉट 8 के आगे यहां पर नोटिफाई का ऑप्शन आ रहा है और यहां पर लिखा हुआ है कमिंग सून। यहां पर कमिंग सून करके आ रहा है, यहां पर बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जैसा कि आपको पता होगा, मैंने पिछले अपने कुछ वीडियोस में मैंने आप जब यहां पर लिस्ट बताई थी कि कौन इन्फिनिक्स से कौन कौन से स्मार्टफोन है जिनको यहां पर सेलेक्ट किया गया है फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में यहां पर मतलब सेल करने के लिए, तो यहां पर सबसे पहले नंबर पर यहां पर इन्फिनिक्स ने ऐड किया था इन्फिनिक्स हॉट 8 का नाम, जो कि मतलब यहां पर पूरा दिन निकल चुका है एक दिन स्मार्टफोन की डील्स के लिए। लेकिन यहां पर इन्फिनिक्स का जो हॉट 8 है वो यहां पर लिस्टेड नहीं किया गया है। अब यहां पर कंपनी के हम इसको क्या कह सकते हैं, मतलब कंपनी यहां पर पहले लिस्ट जो है वो स्मार्टफोन की दे रही है, उसमें अपने फोन को यहां पर सेलेक्ट कर दे रही है। लेकिन फिर जब यहां पर स्मार्टफोन को देने का मौका आ रहा है, मतलब टाइम आ रहा है, तो जो कंपनी है वो यहां पर स्मार्टफोन को सेल के लिए ला ही नहीं रही है। अगर मैं बात करता हूं रियलमी के 5 वगैरह की, तो सारे स्मार्टफोन यहां पर अवेलेबल हैं। सिर्फ अगर मैं बात करता हूं इन्फिनिक्स के हॉट 8 की, तो ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर अवेलेबल नहीं हुआ है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, कंपनी ने यहां पर लिस्ट निकाल करके क्यों इसके यहाँ पर इस स्मार्टफोन को यहाँ पर नहीं रखा है खरीदने के लिए, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो कंपनी हमारे साथ कर रही है बहुत ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहले उन्होंने बताया कि हम इस स्मार्टफोन को यहाँ पर फ्लिपकार्ट के बिग मिलियन डेज में यहाँ पर सेल करने वाले हैं, लेकिन फाइनली जब यहाँ पर सेल करने की टाइम है तो ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। देखते हैं ये स्मार्टफोन यहाँ पर कब तक अवेलेबल होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे यही आ रहा था कि भाई ये स्मार्टफोन यहाँ पर खरीदने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या हम करें, कैसे करें। तो भाई अगर मैं यहाँ पर मैं साफ तौर से बताऊँ तो मुझे खुद ही नहीं पता है कि ये स्मार्टफोन यहाँ पर अवेलेबल क्यों नहीं हुआ है कंपनी की तरफ से, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या इशू हुआ है कंपनी की तरफ से। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया था फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में यहाँ पर सेल करने के लिए। अब इसके पीछे का क्या रीज़न ये तो नहीं पता। देखते हैं ये जो स्मार्टफोन है, फिलहाल अभी ये जो सेल है वो 4 तारीख तक है यहाँ पर, देखते हैं हो सकता है बीच के एक दो दिन में यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर अवेलेबल होता है या फिर नहीं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो जैसे ही ये स्मार्टफोन यहाँ पर बाय नाउ के लिए ऑप्शन यहाँ पर आएगा, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा, और देखते हैं ये जो स्मार्टफोन है वो कब तक यहाँ पर अवेलेबल होता है खरीदने के लिए। दोस्तों, यहाँ कुछ इस वीडियो में आशा करता हूँ छोटी जानकारी को समय आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।